बच्चों, आज हम अपनी भाषामणि किताब से एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धि का बल। बच्चों, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम हमेशा ऐसा होता है कि घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे उस मुश्किल का, उस मुसीबत का रास्ता निकाला जाए। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो अपने साथ उस मुश्किल का हल लेकर के आती है। बस क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं इसलिए हम उस हल को या उस रास्ते को नहीं देख पाते हैं। तो आज की ये जो हमारी कहानी है बुद्धि का बल, इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मुश्किलों को अपनी बुद्धि के बल के हिसाब से या अपनी बुद्धि के बल पर ठीक किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में किसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी मुसीबत को हल किया। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पेज नंबर 42 पे पाठ 7 बुद्धि का बल, ये कहानी है, आज हम इसी को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। शत्रु चाहे हमसे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि के बल से हम उसे जीत सकते हैं। पढ़कर जाने कि कौए ने अपने शत्रु को कैसे हराया। तो बच्चों, यही लिखा है कि जो भी हमारा शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, अब ये दुश्मन जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, कोई मुश्किल घड़ी जब आती है तो वो भी हमारी शत्रु हो सकती है। तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो शत्रु जो है हमारा, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें देखने में उसे ये ना लगे, कितना भी ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि के बल से उसे जीतने की कोशिश करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी में कौए ने अपने शत्रु को कैसे जीता। तो बच्चों, इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, कौए और सांप, मतलब ये कौ का जोड़ा और सांप के बीच की ये कहानी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पेंसिल को रखिएगा बच्चों अपने हाथ में, जिससे हम लोग मुश्किल वर्तनी को रेखांकित करते हुए चलेंगे। नदी के किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौए का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। मादा कौए ने घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौए का जोड़ा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चला गया। देखो, कहानी के शुरू में है कि एक नदी थी, उसके किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद पेड़ का नाम है, जैसे आम का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, उसी तरह तरीके से एक बरगद का भी पेड़ होता है, ठीक है। और वो कैसा था, बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था। डाल मतलब पेड़ों की जो डाल होती है, जिसको शाखा भी बोलते हैं या ब्रांचेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेड़ की डाल पे एक घोंसला था। घोंसला मतलब जो चिड़ियों का घर होता है, देखो यहाँ चित्र में भी बना हुआ है घोंसला, जिसमें कौए का जोड़ा रहता था। कौए का जोड़ा मतलब एक नर कौआ, एक मादा कौआ, ठीक है, यानी कि एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। खोखली जगह क्या होती है बच्चों, जो जगह अंदर से खाली होती है, जैसे कोई आप खाली डिब्बा ले लो, ठीक है, एक कोई डिब्बा ले लो, तो डिब्बा क्या होता है, ऊपर से कवर रहता है, उसका कवर अगर हम खोल दें तो वो क्या होता है, अंदर से पूरा खाली होता है, तो उसको ही कोई इस तरीके की खोखली जगह उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से पेड़ में भी एक जगह थी जो कि खोखली थी, यानी कि अंदर से खाली, और उसके अंदर कौन रहता था, उसके अंदर एक सांप रहता था। मादा कौए ने घोंसले में 4 अंडे दिए। मादा मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग कौआ। उसने क्या किया, कौए में घोंसले में 4 अंडे दिए। देखो आप अगर चित्र में देखो तो यहाँ घोंसले में 4 अंडे बने हुए, ठीक है।
कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौए का जोड़ा बहुत खुश हुआ क्योंकि बच्चों को देख करके, दोनों जो मम्मा कौ और पापा कौ थे, दोनों देख करके बहुत, बच्चों को अपने देख करके बहुत खुश हुए और उन लोग के लिए खाना ढूंढने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था, मतलब पेड़ के जो खोखली जगह पे जो सांप रहता था वो इसी मौके, मतलब वो यही चाह रहा था कि कैसे ये दोनों कौए यहाँ से जाए। और आगे वो क्या करना चाह रहा था उसको पढ़ते हैं। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और कौए के बच्चों को खा गया। जब कौए का जोड़ा लौट कर आया तो घोंसला खाली दिखा। तो सांप इसी मौके की तलाश में था। सांप बहुत दिनों से देख रहा था कि ये जो कौए के जोड़े हैं इन्होंने अंडे दिए हैं, और सांप चाह रहा था कि कभी ऐसा हो कि ये दोनों कौए यहाँ से जाएं और मैं इनके अंडों को, अरे जो अंडों में से बच्चे निकले हैं उनको खा जाऊं। तो अब सांप को ये मौका मिल गया, जब उनके, जब दोनों कौए खाना ढूंढने के लिए गए तो सांप को ये मौका मिल गया। और उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बच्चों को खा गया। और जब दोनों कौए वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपना घोंसला खाली देखा। दोनों बहुत दुखी हुए। जब दोनों कौए देखे कि बच्चे नहीं है, घोंसला खाली है, तो उनको बहुत दुख हुआ। रोते रोते मादा कौए ने सांप को बिल में धीरे से घुसते देखा। अब क्या हुआ, जब दोनों कौए एकदम दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, तो उसमें से जो मादा कौआ थी उसने देखा कि सांप अपने बिल में घुस रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता बच्चे कहाँ गए, सांप ने खाया, ये बात तो कौ को नहीं पता क्योंकि कौए तो वहां थे नहीं, वो खाना ढूंढने के लिए गए थे। तो जब वो वापस लौट कर आए और दुखी होते हुए रो रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सांप अपने बिल में धीरे से घुस रहा है। बिल मतलब जहां पे सांप रहता है उसके घर को बिल बोलते हैं, ठीक है। सांप अपने बिल में धीरे से घुस रहा है, उसे समझ में आ गया कि यह काम सांप का ही है। तो मादा कौआ समझ गई कि मेरे बच्चों को इसी सांप ने खाया है। कुछ समय बाद मादा कौए ने दोबारा अंडे दिए। इसी तरीके दोनों दुखी थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ कि मादा कौए ने दोबारा अंडे दिए और सांप उन्हें फिर खा गया। और फिर से क्या हुआ कि सांप उन्हें, उन अंडों को फिर से खा गया। अब मादा कौए ने दुखी होकर नर कौए से कहा, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। तो मादा कौआ बहुत दुखी हुई कि उसके बच्चों को, अंडों को बार बार सांप खा जा रहा है। वो बहुत दुखी होकर नर कौए से उसने कहा कि अब हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो सांप रहता है, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। घोंसला मतलब जहाँ पे पक्षियां रहते हैं, जो पक्षियों का घर होता है उसे घोंसला कहते हैं, ठीक है। तो मादा कौए ने कहा कि हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। तब नर कौए ने क्या कहा, पर हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं, हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। नर कौए ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा घर है, हम अपना घर छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। मतलब जिसने गलती की है, जिसने हमें दुख दिया है, हमें उस सांप को मारने का उपाय सोचना होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों सांप तो इतना बड़ा ताकतवर जहरीला होता है, और कौए तो आप देखे ही होंगे, आपके छतों पे कौए आते होंगे, वो कैसे सांप को मार सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे कौए ने अपने मित्र सियार से सलाह की। मित्र मतलब दोस्त, ठीक है। उसका मित्र कौन था, सियार था। और उससे क्या किया, सलाह की, यानी कि उससे, उसको अपनी परेशानी बताई और उससे बात की कि हमें कुछ उपाय बताओ जिससे हम ये परेशानी से बाहर निकल सके। सियार ने उसको एक उपाय बताया। अब जो उसका मित्र सियार था उसने कौए को एक उपाय बताया, उसे कहा कि एक तरीका है, उस पेड़, क्या तरीका है उसको ध्यान से सुनिए। उस पेड़ के पास नदी में एक रानी नहाने आई हुई है, ठीक है। जिस पेड़ पे घोंसला बना हुआ था उसी पेड़ के पास एक नदी थी जहां पे एक रानी आई हुई थी नहाने के लिए। तुम रानी का हार उठाकर उसे सांप के बिल में डाल दो।
सियार ने क्या बताया कि जिस पेड़ पे तुम्हारा घोंसला है उस पेड़ के पास एक रानी एक नदी है, ठीक है। जिस पेड़ पे घोंसला है उस पेड़ के पास एक नदी है, नदी में एक रानी नहाने आई हुई है, तो तुम क्या करो। सियार ने कौए से कहा कि तुम जा करके उस रानी का हार, कोई रानी का हार मतलब जो गले में हार पहना जाता है उसको हार बोलते हैं, तुम जाके उस रानी का हार उठा करके उसे सांप के बिल में डाल दो, ठीक है। कौए ने वैसा ही किया, जैसा उसके मित्र ने बताया, सियार ने बताया, कौए ने वैसा ही किया। अब क्या हुआ, रानी के सिपाहियों ने कौए का पीछा किया। जब कौआ रानी के हार को अपनी चोंच में पकड़ के उड़ रहा था, उसी समय ये जो रानी के सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, जो रानी की रक्षा करते हैं, वो उन्होंने कौए का पीछा किया, यानी कि वो भी कौए के पीछे पीछे भागते हुए कौए के पीछे पीछे आ रहे थे और सांप के बिल तक पहुंच गए। कौए ने तो वो हार उठा करके क्या किया था, सांप के बिल में डाल दिया था। अब जो कौए के पीछे पीछे जो दो रानी के सिपाही आ रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि वो जो हार है वो सांप के बिल में है, तो वो सांप के बिल तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की, सांप ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने जब बिल में हार पड़ा हुआ था तो उसको निकालने की कोशिश की, तो क्या हुआ, सांप ने उन पर हमला कर दिया। रानी के सिपाहियों ने भाले से सांप पर वार किया। जो रानी के सिपाही थे उनके पास एक हथियार था भाला, उससे क्या किया, सांप पर वार किया, यानी कि सांप पर हमला किया। कौए ने बुद्धि के बल से सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश कर दिया। जब रानी के सिपाही, बच्चों देखो पीछे चित्र में बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये हार इस बिल के पास है, ठीक है। ये दोनों सिपाही आए भागते हुए, उन्होंने हार को उठाने की कोशिश की। हार को उठाने की कोशिश करते ही ये सांप इस बिल में से बाहर आया और इन दोनों सिपाहियों पर हमला करने लगा, यानी कि उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी दोनों सिपाहियों के हाथ में जो भाला है, ये देखो ये जो इस तरीके से ये जो हथियार है इसको भाला बोला जाता है, ठीक है। ये जो दो भाले हैं, दोनों सिपाहियों ने इससे सांप पर हमला कर दिया और सांप को मार दिया, ठीक है, और रानी का हार लेकर के चले गए। अब उससे क्या हुआ, सांप तो मर गया और जो दोनों कौओं की जो मुसीबत थी उसका छुटकारा भी हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों कौए ने सांप को मार दिया। इन्होंने खुद नहीं मारा, ये खुद नहीं मार सकते सांप को, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी मुसीबत से यानी कि सांप से छुटकारा पा लिया। बच्चों ऐसा ही होता है, जब भी कोई मुश्किल आती है चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके पीछे कोई ना कोई उसको ठीक करने का, उसको हल करने का रास्ता होता है। हम बस परेशान हो जाते हैं इसलिए हम वो रास्ता नहीं देख पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा शांति से सोचें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, तो हम हर छोटी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे